उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 12वीं की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, जबकि 12वीं की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में अब हाईस्कूल और इंटर की बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। दोनों ही परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया है। सुरेंद्र असीला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र, एक बड़ा फैसला, लेकिन छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल अनामिका, एक बड़ा और बेहतर फैसला इसे कह सकते हैं, क्योंकि 4 मई से शुरुआत होनी थी एग्जाम की, और ऐसे में जब पूरा प्रदेश कोरोना की मार झेल रहा है, तो ऐसे में एक सही फैसला फिलहाल के हिसाब से लिया गया है। 10वीं की परीक्षा को रद्द किया गया है। अब 10वीं के एग्जाम नहीं होंगे और 10वीं के बच्चों को सीधे उत्तीर्ण किया जाएगा, और 12वीं की परीक्षा स्थगित हुई है, मतलब 12वीं के बच्चों के एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं स्थितियों को देखते हुए। अगर अगले कुछ दिनों में स्थितियां कंट्रोल में रहेंगी तो हो सकता है कि अपने तय समय पर एग्जाम हो या कुछ समय के लिए आगे किया जाए, लेकिन 10वीं के ये क्लियर है कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। 12वीं के बच्चों को अभी तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि उनकी परीक्षा की जो डेट है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। अनामिका, सुरेंद्र धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो कोरोना के संक्रमण के चलते यह फैसला लिया गया है, एक बड़ा फैसला। मई के महीने से यह परीक्षाएं शुरू होनी थी, लेकिन फिलहाल छात्रों की सेहत को देखते हुए, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है।